तो दोस्तों अभी है हम लोग वृंदावन में और हम लोग आए हुए हैं आश्रम में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी भगत दर्शन करने आते हैं यहाँ पर वृंदावन में बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, तो वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पे आकर वो रुक सकते हैं, प्रसाद चेक कर सकते हैं। तो आपकी श्रद्धा है आपको यहाँ पर पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर रूम्स जो है, नए रूम्स बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, और भी बहुत सारे रूम्स हैं पहले के, पर यहाँ पर एक और जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है रूम्स के लिए। आपको यहाँ के रूम्स जो पहले के हैं वो भी दिखाएंगे, यहाँ का प्रसाद भी दिखाएंगे जो आप यहाँ पर आकर चख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर एक लाइक कह सकते हैं आप सेवा का काम चल रहा है, तो आप भी इसके अंदर जो है अपना योगदान कर सकते हैं, दान कर दिए, ठीक है। आप आटा, चावल, पत्थर, रोड़ी कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर पैसे ही देने हैं, आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर ये पार्किंग बनाई गई है ताकि आपकी व्हीकल जो आप ला रहे हैं एकदम सेफ रहे। ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जो इस साइड पे एरिया है उसमें मंदिर बनाया जाएगा, एरिया जो हॉल है वो भजन कीर्तन के लिए तैयार किया जा रहा है, और ऊपर जो है रूम का निर्माण किया जा रहा है। आगे जो रूम्स हैं वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है यहाँ की गौशाला जहाँ पे दूध निकाला जाता है, और इसी दूध से आपको यहाँ पर चाय दूध पीने को मिलता है, तो हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है यहाँ का रसोई घर जहाँ से आपको खाना मिलता है। तो ये देखिए दही बल्ले हैं यहाँ पर, ये सब्जी है छोले की, और अभी शाम का टाइम हो गया है तो आधा हमारा जो भोजन है, प्रसाद है, वो खत्म ही हो चुका है। तो ये देखिए ये है पूड़ियाँ बनी हुई ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप फ्री में खाना भी खा सकते हैं, रह भी सकते हैं, हर फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और दोस्तों ये है यहाँ के रूम्स जहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं, और इवन आपको यहाँ पर एसी की भी फैसिलिटी मिलेगी, एसी भी है यहाँ पर। तो भाई इससे अच्छी चीज होगी क्या सकती है। और फ्यूचर के लिए आगे ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पर दर्शन करने आए उसके लिए इन लोगों ने यहाँ पर और भी रूम्स के प्रबंध यहाँ पर कर रहे हैं। तो भी भक्त यहाँ पर परिक्रमा करता है और विश्राम करने के लिए रुकना चाहता है यहाँ पर रुक सकता है, भोजन कर सकता है, प्रसाद चख सकता है। प्रणाम गुरुजी। तो दोस्तों ये है हमारे गुरुजी, तो यहाँ पर इस आश्रम को यही चला रहे हैं, यही सेवा कर रहे हैं लोगों, मतलब लोगों को यहाँ पर फ्री में रुकना और खाना मिल रहा है। यहाँ ठाकुर सेवा होती है, संत सेवा होती है, अतिथि सेवा होती है, गौ सेवा होती है, तो कोई भी आए मतलब उसकी अपनी मर्जी से कितना भी दे, दान जो भी देना है, कोई ऐसी तो यहाँ पर कोई आपसे स्पेशली पैसे नहीं मांगे जा रहे, आप अपनी मर्जी से जो आप दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अनाज, पत्थर, रोड़ी, कुछ भी यहाँ पे आप लोग दान कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है वो। अगर आप यहाँ पर परिक्रमा या दर्शन कुछ भी करने आते हैं तो हमारे आश्रम में जरूर आइएगा यहाँ पर। यहाँ पे एक बार एड्रेस बता दीजिए। पुरानी कालिद है, दाऊ जी की बगीची, दाऊ जी की बगीची, बगीची परक्रमा मार्ग वृंदावन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एड्रेस बता दिया गया है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हमारे आश्रम में जरूर विजिट कीजिए।